हेलो दादा, मैं यही हूँ। अभी क्या कहते हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं, पूरनपुर रोड में शेर को देखने। अरे 9 बजे कह रहे हैं, रात में दिख रहा है। पता नहीं सीके के पास खबर आई। हाँ हाँ चल दूंगा। आजकल तो हम लोग सुबह 5 बजे उठ के जिम जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। आ देखेगा तो कह दूंगा, कल जरूर देख दियो सुबह। हम जा कब देखा तुमने? अच्छा उस बार देखा था ना, मुझे लगा अभी हाल फिलहाल में देख के आए। चलो डन हो गया, सुबह में ऑफ रखना यार। ठीक है, तू भी कैसा आदमी है, ऑफ कर दो। मैं कर दूंगा, नहीं सही नहीं अकल नहीं तेरे को। ठीक है, अब फोन पे बात करो, फिर गौर करा तू। सही बात है मेरी, शेर को बुलाने जाने वाली। हाँ वैसे बात तो सही हो रही थी, लोगों लगेगा। हाँ यार ये बात चल रही है, शेर को देख लूँ दुकान वाली। कौन है? नहीं बंद कर दे यार। कौन है वो ऑन था उस समय? ऑन था, सब ऑन है उस समय, ऑन था। हाँ जो मेरे को डांटा ये भी ऑन है। लोग वो मेरी सबसे पहले ये बताना कि ये मेरे को मतलब फालतू में डांट पड़ी है। अरे वो फोन पे बात कर रहा है, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं ब्लॉग स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ। ब्लॉग को स्टार्ट हुई बहुत देर हो गई, तूने कर दिया स्टार्ट, मैं तो किया ही नहीं। तुमने तो बोला ऑन कर करके यार उस टाइम। नहीं मैं नहीं खा रहा, अब हो गया। चिप्स खाते हुए देख रहे हैं भैया सब। ऑन है नहीं? फिर ऑन है, पता ही नहीं मेरे को भाई, तब से ऑन ही है मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटी ब्लॉग में। और आज है हमारा जंगल सफारी वाला दिन, तो हम यहाँ नेचोस खाते हुए जा रहे हैं। नेचोस ही तो होते हैं। तो आज थोड़ा सा चीट टाइप का खाना, थोड़ा सा वेट लूज करने के ऊपर, और फिर आगे ट्रांसफॉर्मेशन गोल चल रहा है अपना वेट लूज करने का, फैट लॉस करने का मतलब से। तो आज थोड़ा सा चीट देखा बना रहे, चलते हैं जंगल सफारी में। किसी ने बताया है, किसी ने बताया, हमारे सब्सक्राइबर ही हैं यहाँ पे, और भी लोग हैं जो जंगल सफारी के शौकीन हैं, तो कभी शायद हमारे साथ में भी आएंगे, तब हम दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी हम खुद ही जा रहे हैं। उन्होंने बताया था भाई, सब्सक्राइबर है हमारे, कि आप इतने बजे जाओगे ना तो आपको वहाँ पर टाइगर साइटिंग या फिर रोड पर हो सकती है, दिख सकते हैं मतलब टाइगर आपको। तो उसी हिसाब से हम निकल रहे हैं भाई, टाइम के हिसाब से देखते हैं आज क्या दिखता है। तो चलो भाई एंजॉय करते हैं वीकेंड थेरेपी को जंगल सफारी में। अब ऑफ करते हैं भाई। जंगल सफारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जंगल में हम घूम रहे हैं। घूम क्या रहे हैं, बस घुस ही रहे हैं मतलब एक तरह से, लेकिन हमेशा अगर चांसेस कहीं पे भी हो सकते हैं, तो रिकॉर्ड कर लो भाई जहाँ रिकॉर्ड कर सकते हो। और देखो भाई ये आगे फुलिया ये मोड़ बड़ा भयंकर है भाई, राउंड है पूरा मोड़। और यहाँ पे तो हमने वीडियो बनाया हुआ भाई, नहीं यहाँ पे नहीं, हमने इसके अगले इसी पुलिया बनाया था ना रोहित। बत्कर बत्कर ओए, अरे पानी में कोई कूदा नहीं तो पानी में आवाज आई कूदने की? हाँ हाँ। तो भाई जंगल के अंदर हमारी प्रॉपर एंट्री हो चुकी है, अब जंगल स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा लेफ्ट साइड में गांव होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद जंगल प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा। और देखो भाई आज की जंगल सफारी में अपने को क्या मिलता है, और टाइम भी सही है तो देखते हैं, कोशिश करेंगे मुझे रिकॉर्ड कर पाए आज। टाइगर ग्रास वाला एरिया है भैया, आ जाओ भैया। कहाँ हो तुमने कहा था भाई इस जगह पे, इस जगह पे मिल जाओगे। हम तो टाइम से आए हैं आपके भैया, अब कोई लेट लतीफी मत करना भैया, आ जाओ सामने। और कम से कम 1 घंटे तक रहना है सामने, ठीक है? हम रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई रात को जंगल में हम पहुंचे हैं यहाँ पे, अपना
भारा मरावली पुलिया के पास में, और देखो यहाँ पे एक बाबा है जो कि थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब्ड है, और वो यहाँ आके बैठा है। देखो ये रात को यहाँ बैठा हुआ है, देखो ये खतरनाक ही है बाबा भैया, बिल्कुल टाइगर जोन है प्रॉपर एरिया अपना ये, और ये बाबा जो है यहाँ आके बैठा हुआ है बिल्कुल पानी के बगल में, और मेरे को लगता है वहीं सोएगा आज पानी के बगल में। बैठे भी हैं यार, अकेले ही है वो। मिलके नहीं चलो? मिला हुआ हूँ मैं, और पहले कई बार उस पार भी टाइगर के पास भी बैठते थे। अब ये बाबा ही है या कोई और तो नहीं है पता नहीं, बट जो भी है यू आर टू वेलकम घनी रात में वेलकम। ये दृश्य देखते हुए चलेंगे हम। चैनल सब्सक्राइब, चैनल को हाँ। वेलकम टू गाइस माय वीडियो यूट्यूब चैनल सीके बिस्ट ब्लॉग में, सीके ब्लॉग चैनल। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी है क्या? घंटा बजाएं, बेल आइकन हिट द बेल आइकन। जंगल सफारी में आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, देखो क्यों रात का मजा ही कुछ अलग है। रात का मजा बोले तो सबसे पहले तो शांति और सन्नाटा जिसको कहा जाता है, ये हमारे सीके भैया हैं, बहुत शांति से चल रहे हैं आज। थोड़े डरे डरे से और थोड़े सहमे से लग रहे हैं, इनको किसी ने शेर की कहानी सुना दी ना आज, इसीलिए थोड़ा हो रहे हैं। तो भाई शेर आ जाएगा सामने तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। और ये हमारे भैया हैं बड़े भैया, और ये हमारे छोटे भैया थोड़ा दिखाई नहीं दे रहे। मतलब जंगल सफारी में पहुंचती है ना मेरे साथ क्या होता है, मेरी आंखें आती है ढीली और मैं होता हूँ सोने वाली कंडीशन में। जनरली जंगल सफारी वाले वीडियो में कोई नींद ही आती है, क्योंकि जब या तो टाइगर दिख जाए तो आँख खुल जाए भाई, या कोई और जानवर दिख जाए तो आँख खुल भी जाए, वरना वैसे तो भाई उसको आँख खुलना नहीं फिर नींद उड़ना कहते हैं। नींद उड़ना ऐसे नहीं उड़े तो मजा भी आए ना, मजा आता फिर, बहुत लंबी चला जाते तो थक जाता हूँ मैं। हम आपको आगे का सीन दिखाते हैं, और मतलब एक अलग ही मजा है भैया के साथ घूमते घूमते। आज मेरे को कई दिन हो गए आपके, मतलब कई वीडियो देखे होंगे आपने जिसमें मैंने कभी कुछ बोला नहीं, आज बोलूँगा। आज मैं खुद फुल बोलने के मूड में हूँ, और कभी कभी थोड़ा आदत ही है, इंटरटेन करने की आदत है, भले ही हम रात को जंगल में घूम रहे हों। देखो गाड़ी भी आगे जा रही है, लोग बोलेंगे बाकी दिन नहीं पी होगी, आज भी रखी होगी शायद, बता दे तू पीता ही नहीं है। अच्छा मैं दारू नहीं पीता हूँ, ये खाली बोल रहे हैं। मैं खाली कहा बोल रहा हूँ, मतलब बता दे, लोग सोचते हैं कि कोई जो ज्यादा बोल रहा है तो नहीं नहीं, नहीं ये दारू मैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये कहता हूँ कि भैया आप भी बिल्कुल दारू मत पियो, दारू बहुत गंदी चीज है, और दारू एक ऐसी चीज है जिसको अब तो ऐसा लग रहा पिया ही है। अरे नहीं तो अब तो ज्ञान दे रहा है, कसम इस जंगल की, और कसम जितने भी भाई देख रहे हैं सभी को मैं ये कह रहा हूँ, मैं सच में दारू नहीं पीता हूँ। सब दारू कोई भी मत पीना, ये लोग कहने दो इनको, ये कहते रहते हैं, खुद तो पीते नहीं है ना ही हमको पीते हैं, पिलाते हैं बोल। और हाँ यार पीने का नहीं, दारू नहीं पीने का है, कुछ भी हो। ए शेर कहाँ हैं आप, आने का प्रयत्न करें और हमें अपना दृश्य दिखाएं, अपना एक आधा सीन करके दिखाएं तो हमें थोड़ा मजा आए। प्रयत्न होता है, प्रयत्न नहीं होता, प्रयत्न मतलब कुछ नहीं होता। ये देखो एक जंगली जानवर, प्रयास कुछ ऐसा करें, प्रयत्न करें या प्रयास करें, प्रयत्न करें, प्रार्थना हम कर रहे हैं, आप प्रयत्न करें, आप आइए तो सही। एक बार तो लेपर्ड देखा था यहाँ पे बहुत ऊंचा। लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ होता है भाई, ठीक है। जैसे मेरे को नहीं पता था, जैसे आप लोग किसी कोई वीडियो देख रहा है तो तेंदुआ बोले तो लेपर्ड बोला है, पहाड़ में छोटा बाघ भी बोलते हैं। हाँ पहाड़ों में तो बहुत मिलता है, बहुत तगड़ा। एक बार का सीन क्या था, मम्मी के साथ में हमारे गाँव में क्या होता है कि मतलब 10 दिन में 15 दिन में एक बार बारी आती है, गाय चराने पूरे गांव के ले जाने पड़ते हैं गाय और बकरियां। हाँ तो भाई लेके गए हुए थे, मैं ऊपर बकरियों को लेने के लिए गया क्योंकि बहुत दूर बहुत चलती है ना।
इतनी चलती है थका देती है। मैं लेने गया ऊपर को तो भाई साहब कोने में बैठा हुआ लेपर्ड छोटा सा, मैं छोटा, मेरी उम्र करीबन 8-9 साल की थी, तो अच्छी तरह याद हो मेरे को। पहली बार डरा था मैं अपनी लाइफ में। मैं जंगलों में घूमने वाला आदमी, जहाँ तहाँ मेरा मन करे मैं घूम लेता हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को डर लग गया। एकदम मेरे मुंह के आगे से निकला वो फूं करके, इतनी स्पीड में उसने कूद मारी ना। ले गया? नहीं ले नहीं गया, सिर्फ भागो ताक में जरूर था। नहीं नहीं बकरी ले गया क्या? हैं? बकरी ले गया क्या? बकरी? बकरी नहीं ले गया, बच गई। बच गई बकरी, वो ताक में था, मतलब कि घात लगाए बैठा था। मेरे को भी नहीं लगा जब जैसे वो उठ के भागा ना, तो मैं मेरे मतलब सांस ऊपर के ऊपर नीचे, मेरे से मम्मी भी नहीं बोला गया। मैं आवाज दूं मम्मी को और आवाज भी ना निकले मेरी। ऐसा ही सीन कुछ मिले ना इधर को कि आवाज भी ना निकले, होता है। ये नहीं कि मैं बार हुआ है, मेरे सामने टाइगर आया यहाँ पे, फ्रीज हो गया भाई, कुछ बोला ही नहीं गया, बोला मुझसे आवाज ही नहीं आती है। फुल साइज का टाइगर? अरे वो सीन बहुत तगड़ा था यार, मतलब उस दिन इतना जंगल से आने वाली। लॉकडाउन में क्या था कि मैं खटीमा में, बच्चे खटीमा में, सब बोर हो गया मैं। हाँ। मैं चलो भैया गांव घूम के आता हूँ, 130 किलोमीटर गांव मेरा यहाँ से गाड़ी के रास्ते में। मैं चल दिया जंगल ही जंगल पैदल। सुबह मैं यहाँ से जाते समय हम दो बंदे थे, कहाँ से? खटीमा अपने घर से। हाँ। लॉकडाउन की बात थी, उस टाइम पे सब बंद था, गाड़ी वाड़ी सब बंद। तो वो लड़का करीबन 10-15 दिन तो मेरे घर पे बैठा हुआ था, वो कहता है यार अब जाना है जाना है जाना है जाना है। मैंने भी मूड बनाया और चल दिए हम पैदल 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 यहाँ से ब्यांदुरा से होते हुए गए। अच्छा। और रात को कितना किलोमीटर? किसने देखा किलोमीटर फिर जंगल से? लगभग मतलब 40-50-60 ऐसा तो हो ही गया होगा। अरे 130 किलोमीटर दूर है यहाँ से। नहीं वैसे तो दूर है रोड से, जंगल से थोड़ा पास पड़ता होगा ना भाई? जंगल से कितना पास पड़ा होगा? सीधे सीधे में 70-80 किलोमीटर तो पड़ा ही होगा। और जंगल का रास्ता जहाँ 1 किलोमीटर पार करने में 1 घंटा लग जाता है, ऐसा ऐसा भी रास्ता। और एक जगह तो ऐसा था मतलब नदी के ऊपर रास्ता ही नहीं। मेरा टारगेट पता क्या था? रास्ता नहीं था मेरा टारगेट, मेरे टारगेट रहते थे पहाड़। और हमने पहाड़ को टारगेट किया, सामने पहाड़ी पे जाना है, यूं सीधा बिल्कुल, कोई मुड़ना नहीं रास्ते में, चाहे कितना बड़ा भी वो आ जाए। और आए भी हम गए भी, बहुत मजा आया उस दिन। रोटी ले गए थे हम मतलब 3 टाइम के लिए, सुबह से लेकर रात तक के लिए। और मतलब 2 बजे हमने ब्यांदुरा से नीचे उतरे गाड़ में, वहाँ एक नदी पड़ती है ना, सूखी नदी है, पानी भी नहीं था उसमें, बरसात में आता था। हाँ वहाँ हमने मतलब पूरी रोटी ख़त्म कर दी 2 बजे। अब 2 बजे से मतलब 2-3 घंटे में भूख लगी थी। अब चलते 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 मेरे साथ का जो लड़का था उसके बैग में करीबन 15-16 किलो वजन, मैं 3-4 जोड़ी कपड़े ले गया था, 4-5 किलो वजन बस। उसका बैग मतलब पकड़ने में फट गई थी। पैदल पैदल बहुत भारी होता है, 15 किलो भी। यहाँ से तुम चल रहे हो लगातार 10-10, 11-11 घंटा। हमने सिर्फ एक जगह रेस्ट किया था जाते समय, जहाँ हमने खाना खाया 2-2.5 बजे करीब हमने खाना खाया। उसके बाद हम सीधा चलते 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 गए, ये सूखी डांग से जो रोड पड़ती है उस रोड में पहुँचने तक 7 बज गए थे हमको। फिर रोडी रोड वहाँ को रीटा साहब को जा रहे थे, रीटा साहब को करीब 3-4 घंटा मतलब 9-9:30 पतली वाली रोड जो ऊपर को जा रही है सुबह ढंग से। हाँ पतली नहीं है अब तो, खैर बन गई है कह रहे हैं। नहीं चौड़ी नहीं है, पतली है। पहले तो खंडर था पूरा, रोड खराब थी। रोड कहाँ रखी है? इधर ही है ना, इधर। कहानी सुनाते सुनाते यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ के भूल गए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बीच रास्ते में देखो तो? अच्छा वो है, कुछ और है। ये खंबा था, मैं जला कुछ और है। नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और वही है मुड़ के आगे।
हाँ इसी की कहानी सुना रहा था, इसी की बात कर रहे थे भाई साहब तुम? बिल्कुल बिल्कुल इसी की बात कर रहा था भाई, इसके दर्शन हो गए हमारे। पकड़ू क्या इसको मैं? अरे नहीं पागल हो गया यार, इतने छेद करेगा ना। हाँ छेद तो बहुत करता है, इसके हाथ बिल्कुल आदमियों के जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम आदमी हुआ है, सेम टू सेम। ये देखो वो तो चल रहा है। अरे वो तो ना, वो तो मेरे को क्या, वो तो वो लाइट दो ना, लाइट में आ रहा है वो, टॉर्च दो, टॉर्च लाइट में आएगा वो, आ रहा है तेज हो गया हम। चलो मतलब इतना मजा आ रहा है इसको हमारे साथ चलने में। नहीं चल गए काफी अंदर, मतलब काफी अंदर गया, मतलब रोड में काफी आगे निकल आया हम जंगल के अंदर अंदर। और अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही आइटम दिखाई दिया, अपना पॉर्क्यूपाइन भाई, जिसने काफी देर तक हमारा साथ दिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, मतलब तू जा भाई, खाली लाइट से परेशान हो रहा है, क्योंकि वो लाइट के साथ साथ फिर भागने लगते हैं ना, तो वो भागते रहते हैं जब तक उनको साइड में रास्ता ना दिखे। तो मैंने ही साइड से गाड़ी निकाल ली ताकि अब अपना रास्ता निकल जाए, खाली भटक जाएगा फालतू में, फायदा क्या है, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए ना कोई जंगल। ओ आ गई, कुछ नहीं मेरे को लगा कुछ है, तो ऐसा ही होता भाई जंगल में, एक सेकंड के लिए आपको लगेगा ऐसा कुछ है सामने। मिल जा समय से परे, जंगल से परे, जंगल में आए हैं भाई, अब परे क्यों मिलेगा। तो लक्की हमारे लक्की भाई के लिए कमेंट करो भाई, ये है हमारे स्पेशल कैमरामैन, इनकी बातें अनोखी होती है हमेशा। ऐसा है मैं, मेरा मतलब काफी मूड हो रहा है कि मैं कुछ काम करूं वीडियोस में, अगर मैंने काम तो बताओ अगर आपको इसकी बातें अच्छी लगती है तो हम इन अजीब अजीब बातों का एक चैनल बना देंगे। हाँ। है ना, लेकिन मेरे को थोड़ा अजीब अजीब सी बातें आती हैं, तो उसके लिए आपको मजा भी आ सकता है, और आप कंफ्यूज भी रहोगे मेरी बातों में थोड़ा। लोग कहते हैं तेरी बातों से कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट तेरी बातें समझ नहीं आती है, ऐसा भी होता है। आप तो कमेंट में बताएंगे लोग। हाँ कमेंट में। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे बताने तू मानेगा थोड़ी ना। कमेंट करो भैया। हमारे शर्मा जी हंसते हुए बहुत देर बाद ये मान जाता फिर बात ही क्या थी। अच्छा ऐसा भी होता है। नहीं मैं बनाएगा, अगर मैं जिस दिन मैं इस चीज में घुस गया ना, तो मतलब मैं फिर देखो मेरे को ही देखोगे तुम, हो गया दिन भर मैं ही देखूंगा हर चीज में, मजा आ जाएगा। बढ़ता हुआ सितारा जिससे आप बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड। नहीं अभी तक कोई प्लान फिक्स नहीं हुआ है, ना ही कोई लिखा गया है। तारा सितारा मेरे सीधे पाकिस्तान सीमा इधर बोलता। अच्छा ये ब्लॉग है क्या? हाँ ये ब्लॉग है। अच्छा ब्लॉग है तब तो ठीक है, वांटेड थोड़ी है। अच्छा ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग में हम दिखा रहे हैं कि रात को घूम रहे हैं और जंगल में फिलहाल हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं। पॉकेट मैन देख चुके हैं। उसमें मजा है, बच्चा था लेकिन मेरे को इसके बारे में काफी नॉलेज है कि क्या खाता है, कहाँ रहता है। पॉकेट मैन तो सोए हैं। नहीं मैं सोच रहा हूँ मैं शक्तिमान बन जाऊँ, कैसा रहेगा? शक्तिमान बन के मैं लोगों को हंसाऊं, लोगों को एंटरटेन करूं, और साथ साथ लोगों के लिए कुछ ऐसा देखने के लिए लेके आऊं कि वैसे बहुत चलेगा। तू बता अब तो बता क्या बन, शक्तिमान बन, और जैसे शक्तिमान लास्ट में बोलता है ना काम की बातें, छोटी मगर मोटी बातें। अच्छा छोटी वो वाला एपिसोड स्टार्ट कर दे। अरे मोटी बोल सकते, छोटी बातें नहीं कर सकता ना मैं, छोटी मगर काम की बातें। हाँ छोटी हो काम की बातें हो चलेंगे, छोटी मगर छोटी मोटी नहीं, मोटी चल रहे, छोटी मगर मोटी बातें क्या होता है। आप बोल रहे हो ना छोटी मोटी बातें, वो बोल रहा है कौन? अरे उसका डायलॉग था छोटी मगर मोटी बात, मतलब छोटी बात बताऊंगा लेकिन वो बहुत मोटी होगी। ओके डायलॉग था छोटी मगर काम की बातें, नहीं मोटी बात पता नहीं। वो तो ये भी कहता था कि अपने आसपास सफाई रखें,
हाँ तो वही कह रहा हूँ, वही बातें बताइए ना, फिर घूम घूम के आइयो शक्तिमान बन के, और ऐसा बातें बताइए, आज की ज्ञान की बातें, दो ज्ञान की बातें बताई और चलते चलते बने घूम के। सबसे पहले उसमें बोलना है तो सिर्फ एक बात बोलनी है कि बच्चों से ये छत से मत कूदना, तुम हो गया, मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए, तुम्हारे लिए मैं नहीं हूँ, मतलब मैं सिर्फ हंसा सकता हूँ, बल मैं तुमको मतलब इस तरीके से कुछ नहीं, कूदना ही नहीं है, वो लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरे हिंदुस्तान वासियों और यूट्यूब वासियों, मेरे मित्रगण, जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो भी देख रहे हैं, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग पहले फटाफट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरे फटाफट आपके पास वीडियो आ पाए और मैं आपको दिखूं सबसे पहले। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। गुड नाइट भैया, वीडियो की शुरुआत यहां से हो रही है कि हम बहुत जंगल में बहुत आगे आ गए हैं। गुड नाइट, पहले गुड नाइट कर दिया। अच्छा रात है ना तो गुड नाइट नहीं बोलते हैं, गुड इवनिंग बेटा, गुड नाइट मतलब सो जाओ, इतनी रात हो गई मेरे भाई, गुड नाइट है अब। गुड नाइट मतलब सो जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वीडियो देख लो मेरी और उसके बाद सो जाना, ठीक है, फिलहाल गुड नाइट ही है, मैं मतलब गुड इवनिंग, ठीक है। ये बड़वा है हमारे भाषा में, इसको बड़वा बोलते हैं, ये जाल बुनता है बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, उसको भी फेल कर देता है असल में, तो हाँ ये बड़वा है। हम आए यहाँ फिलहाल शेर ढूंढने, हमें शेर कहीं मिला नहीं है, और कहीं दिख जाए शेर तो मजा आ जाए एक बार, बस ऑन हो गया। तो भाई जंगल सफारी में मेन पॉइंट तक तो हम जाके वापस आ रहे हैं, अब वापसी में देख रहे हैं कोई चांस मिलता है हमको देखने का तो भाई ठीक है, नहीं तो फिर अपनी तो रास वापसी घर को, हमारी वीकेंड थेरेपी हो गई, हमने ड्राइव कर ली, सुकून हमको मिल चुका है, जो एक पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है वो तो मिल चुका,